सो हेलो गाइस, तो मैं लेके आ चुका हूँ रजेनमोन एनिवर्सरी का शोकेस वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रजेनमोन एनिवर्सरी का जो है शोकेस वीडियो लाऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिजिवॉल्व करेंगे स्टेप फिल्मोन से रजेनमोन में। तो चलिए करते हैं। सो डिजिवॉल्व लिखा हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो काफ़ी मेहनत लगती है इसको डिजिवॉल्व करने में, मगर आपके लिए कुछ भी। सो काफ़ी कमाल की ये वीडियो होने वाली है। मैं इसमें आपको जो है बैटल पार्क और क्लैश बैटल में खेल के दिखाऊंगा और पूरा शोकेस करेंगे हम रजेनमोन एनिवर्सरी का। काफ़ी कमाल का डिजिमोन है दोस्तों ये। सो जल्दी ही जो है इसकी डिजिवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। सो देखिए शुरू हो चुकी है। ओके, तो हमारे स्टेप फिल्मोन जो है अब रजेनमोन में इवॉल्व होने वाला है। सो देखिए वायलेट कलर में कितना कमाल का दिख रहा है हमारा रजेनमोन एनिवर्सरी। सो ये एक मेगा लेवल डिजिमोन है मगर बहुत पावरफुल है इस गेम में। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। सो अब जो है इसको हम अपने डिजिटाउन में देखेंगे कि ये डिजिटाउन में कैसा लगता है। सो मैं जो है सीधे सीधे जो है इसको मैं आपको डिजिटाउन में लेके दिखाऊंगा। बिल्कुल स्पाइरल वेनिशिस का सबसे मज़बूत अटैक है और स्टन अटैक इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा अटैक है। सो दोस्तों तो चलिए मैं आपको डिजिटाउन लेके चलता हूँ। सो ये देखिए डिजिटाउन में हमारा रजेनमोन एनिवर्सरी कितना कमाल का दिख रहा है। ओके एक झलक आपने शुरुआत में भी देखी थी, मैंने इसकी जो है एक झलक आपको वीडियो के शुरू में भी दिखाई थी। सो चलिए इसको कुछ खिला देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे डिजिटाउन में ही है। तो चलिए मैं जो है अब क्लैश बैटल की तरफ चलते हैं। मैं जो तो क्लैश बैटल में हम आ चुके हैं, तो हम गायोमोन के साथ जो है क्लैश बैटल करेंगे। ओके, तो बैटल स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। सो पहली शोकेस की पहली फाइट है ये, तो मैं आपको स्लो मोशन में भी इसमें काफ़ी बार दिखाऊंगा। तो स्पाइरल वेनिश देखते कैसे कितना कमाल का अटैक लग रहा है दोस्तों के। तो देखिए कितनी डैमेज दे रहा है ये। मैंने इसे 99 लेवल तक कर दिया है और अभी 6 लेवल पर है। इसको 10 लेवल पर मैं करूँगा तो ये और भी ज़्यादा डैमेज देगा। फिलहाल मेरे पास सपोर्टिंग डिजिमोन उतने अच्छे हैं नहीं। सेकेंड अकाउंट में फर्स्ट और मेन अकाउंट में मेरे ज़्यादा अच्छे डिजिमोन से। ओके, तो इसने मेरे जो है दो डिजिमोन्स का खात्मा कर दिया है। ओके, मगर हमारा रजेनमोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिजिमोन है, इसीलिए वो ज़रूर टिकेगा, इसके आगे टिकेगा। सो मैं जो है जितने भी अटैक्स हैं उनको खेलता हूँ। ओके कमोन कमोन, हराओ इसे मेरे डिजिमोन सारा। ओके, तो एक और चला गया, कोई बात नहीं, हमारा रजेनमोन टिका हुआ है। और ये देखिए गायरोस्मैश क्या कमाल का दिखाया है यहाँ पे एनिमेशन इन्होंने, क्या बात है। ओके, तो बस हमारा रजेनमोन बाकी रहता है। ओके, तो स्पाइरल वेनिश के साथ हमने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया ये से। ओके, सो सिर्फ रजेनमोन बस इस गायोमोन का जो है ये फाइट रह चुका है, क्लैश बैटल हमारा। सो इस क्लैश में कौन जीतेगा, सो मैं यहाँ पे स्लो मोशन कर देता हूँ और हमारा ये फाइनल अटैक होगा। सो गायरोस्मैश कमोन रजेनमोन, और ये लगा हमारा गायरोस्मैश। ओके, सो डैमेज, क्रिटिकल डैमेज लगी है और गायोमोन का खेल खत्म और हमारा रजेनमोन अकेला ही जीत चुका है यहाँ पे। तो सक्सेस हमें मिल चुकी है। तो कितना कमाल का लगा है। तो चलिए चलते हैं पीवीपी बैटल पार्क में, जहाँ पे हम रजेनमोन का एक और शोकेस करेंगे। सो इसका सारा का सारा अटैक मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 75% तक जो है ये रिड्यूस कर देता है अपनी डैमेज और ब्लॉक रेट। ओह, स्पाइरल वैनिश तो कमाल का है भाई, 3-4 एनिमीज को 3 बार डैमेज करता है और बचा हुआ जो है 5वें को लगता है और उसका भी खेल खत्म हो जाता है।
तो मैंने इस पर कुछ प्लगइन्स भी ऐड किए हैं, आप एचपी देख सकते हैं 10,293 कितनी ज़्यादा है। तो इसकी चेन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं हैरिसमोन, फिल्मोन, स्टीव फिल्मोन और रेजनमोन एनिवर्सरी। सो ये जो रेजनमोन एनिवर्सरी है स्पेशल इन्होंने एनिवर्सरी पे जो है अपने लॉन्च किया है। सो हम पहले मैच की तरफ चलते हैं। सो हमारा फर्स्ट मैच लग चुका है किसी लिल के साथ, तो हम जो है अब इसकी पावर देखेंगे कि ये प्लेयर वर्सेस प्लेयर लाइव बैटल में कैसा खेलता है। ओके, तो फर्स्ट टर्न हमारे ओपोनेंट की आई है। तो ओके, तो ये हमने स्पाइरल वैनिश मारा और देखते हैं क्या होता है। ओके, एक दो और पांचों के पांचों ढेर, क्या पावरफुल है हमारा रेजनमोन। ओके, तो दोस्तों हमको विन मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे पूरे के पूरे पांच फाइट आपको खेल के दिखाऊंगा। पांच स्पीड में जो है मैं आपको हर स्पीड में खेल के दिखाऊंगा। स्लो मोशन में आपने देखा, मैं मीडियम में भी करके दिखाऊंगा और फास्ट में भी करके दिखाऊंगा और एक्सट्रीम फास्ट में भी करके दिखाऊंगा आपको। ओके, तो ये फाइट भी लग चुकी है हमारी किसी मियो पता नहीं किसी के साथ। तो मैं यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल स्पीड में जो है खेल के दिखाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल और एकदम क्रिटिकल डैमेज के साथ सब ढेर। सो हमारा रेजनमोन अकेला ही सब पे भारी है। सो फिलहाल मैं इसमें एफ रैंक में हूँ, आप जानते हैं मैं मेन अकाउंट में अपने एस रैंक में हूँ। सो हम जो है अपनी तीसरी फाइट की तरफ चलते हैं। सो हमारे रेजनमोन सब पे भारी है। सो अप्रेंटिस के साथ जो है हमारा मैच लग चुका है। सो देखते हैं। ओके, तो पहली अटैक आई और मैंने यहाँ पे स्ट्रीम जो है स्पीड कर दी थी, तो मैं चालू होने से पहले ही खत्म हो गया जैसे मैंने स्पैरल वैनिश पे दबाया, इतना फास्ट अटैक मारा। चलिए चौथे मैच पे चलते हैं अपने। सो मैं यहाँ पे आपको स्टोरी, रैगिंग रेड, बैटल और अंडरवर्ल्ड डंजन खेल के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। आप जानते हैं इस गेम में बहुत कुछ है प्ले करने के लिए। रैगिंग रेड बैटल जो है मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा खेल के। ओके, सो यहाँ पे भी यूरी के साथ हमारा मैच लग चुका है। तो यहाँ पे भी स्पाइरल वैनिश के साथ खत्म मैच। एक्सट्रीम स्पीड पे मैंने ये खेला। सो गाइस आखिरी मैच की तरफ चलते हैं। ओके, सो अप्रेंटिस, एक और किसी अप्रेंटिस के साथ ही हमारा मैच लग चुका है। सो पहली अटैक जो है हमारी ओपोनेंट की है। सो मैं इसको स्लो मोशन में आपको दिखाऊंगा ताकि आपको देखने में और भी अच्छा लगे। तो ये देखिए हमारा स्पाइरल वैनिश अटैक, क्या कमाल करता है। ओके, तो पांचों फिर से ढेर, हमारे किसी एक डिजीमोन को भी ये जो है डैमेज नहीं कर पाए। जानते हैं, जानता हूँ मैं कि एफ रैंक में उतने मजबूत डिजीमोन ओपोनेंट के नहीं आते जितने एस रैंक में आते हैं। सो गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा आपको रेजनमोन? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आरिफ ऑन गेमिंग को। इस वीडियो में इतना ही। Bye.